देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। छात्र संगठन डीएसओ द्वारा किया गया कॉलेज में धरना प्रदर्शन। यह धरना प्रदर्शन कॉलेज में जो एडमिशन से वंचित रह गए थे उन छात्रों के लिए किया गया, जिसमें मांग की गई कि जो छात्र एडमिशन से वंचित रह गए उन्हें एडमिशन दिया जाए, साथ ही कॉलेज में सीटें बढ़ाई जाएं। वहीं आज छात्र संगठन NSUAI एवं छात्र संगठन ABPPV दोनों धरने पर बैठे और मांग की कि जब तक छात्रों के लिए कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ेंगी तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। वहीं कॉलेज परिसर में प्रदर्शन को देखते हुए प्रभारी प्राचार्य द्वारा 25% सीटें तत्काल रूप से बढ़ा दी गई। इसके बाद सभी छात्र संगठन इसका श्रेय लेते हुए देखे गए। छात्रों ने प्रवेश की मांग को लेकर यह धरना दिया है। यह आंदोलन लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है, आज की अगली कड़ी के रूप में यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि आखिरी राउंड आज शुरू हो चुका है और छात्रों के सामने समस्या खड़ी हुई कि वो कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। हजारों छात्र प्रवेश से वंचित हैं और सिर्फ आज की तस्वीर नहीं है, पिछले कई सालों से तस्वीर लगातार रिपीट होती आई है। इन कॉलेजों ने, प्रशासन ने, सरकार ने इन छात्रों के लिए कोई भी पहले से व्यवस्था नहीं की है, इसलिए इसके खिलाफ में आज का ये धरना है। आज लोग धरने पर बैठे हैं छात्र, जब तक इनका एडमिशन सुनिश्चित नहीं होगा तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं, धरना खत्म नहीं होगा। इसी मांग को लेकर DSO के नेतृत्व में छात्रों ने धरना दिया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देखा कि कॉलेज प्राचार्य द्वारा 10% सीटें मात्र बढ़ा रहे थे, जिसके कारण पिछली वर्ष भी 10% बढ़ाई थी और समाज छात्र प्रवेश से वंचित रह गए थे। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने आज धरना देकर प्राचार्य पे दबाव बनाया, जब तक हम लोग वहाँ से नहीं हटे जब तक 25% सीटें नहीं बढ़ा दी गई। और प्राचार्य ने खुद अनाउंसमेंट करके आदेश जारी कर दिया, 25% सीटें मात्र विद्यार्थी परिषद के कहने पर बढ़ी हैं। ये सभी छात्रों की मिलकर जो हम लोगों को साथ दिया है, इन सबकी जीत है, ये हमारी विद्यार्थी परिषद की जीत है। ये समस्त विद्यार्थी परिषद के बैनर के नीचे जो छात्र आए धरने पर बैठे और प्राचार्य पर जो दबाव बनाया है, ये समस्त उस ABPPV के धरने बैठे हुए समस्त छात्रों की जीत है। दीपक रघुवंशी, जिला सिंह। क्या 25% सीटों में सभी छात्र संतुष्ट हैं? देखने में आया 60% वालों के नाम अभी तक आ गए थे, 67 और 60% वालों, 25% सीटें बढ़ गई हैं। इसके बाद भी अगर कुछ छात्र रहेंगे तो भी हम 10 से 15 सीटों और बढ़ाने का प्रदर्शन करेंगे। 10 प्राचार महोदय तो 10% ही सीटें बढ़ा रहे थे, किंतु मैंने 15 और एक्स्ट्रा उनमें जुड़वाकर 25% सीटें बढ़वा दी हैं। और इसके बाद भी अगर छात्र रहते हैं तो विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के लिए खड़ा है। इसके बाद भी छात्र रहेंगे तो मैं 10 से 15% फिर सीटें बढ़वाऊंगा, चाहे मुझे 48 घंटे यहाँ बाहर बैठना पड़े, कॉलेज में ताला लगाना पड़े, चाहे मुझे जेल में जाना पड़े, किंतु मैं ये छात्रों के लिए खड़ा हूँ। विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के लिए खड़ी है। इसके बाद भी छात्र रहते हैं तो मैं और भी सीटें बढ़ाऊंगा, बड़ा से बड़ा आंदोलन करूंगा। छात्रों को एडमिशन देना होगा, देना होगा, देना होगा।
दिया तो 25% एडमिशन आज ही बढ़ जाएंगे। आज कुछ नहीं करा तो प्राइवेट एडमिशन भी बंद हो चुके हैं। जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो बैठ जाए, 25% बढ़ गए सबके एडमिशन हो जाएंगे भाइयों। हाँ, आज NSUI द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा, PG कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन से वंचित रह गए हैं उनकी आवाज़ उठाई गई। हमारी मांग है कि 25% एडमिशन और बढ़ाया जाए, क्योंकि कम से कम 1400 से 1500 बच्चे एडमिशन से वंचित रह गए हैं। अब प्राइवेट एडमिशन भी बंद हो गए हैं तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ, इनके फ्यूचर का सवाल है। और कई त्रुटियाँ ऐसी भी हुई हैं कि कम परसेंटेज वाले का एडमिशन हो गया है, ज़्यादा परसेंटेज वाला रह गया है। अब ये क्या कारण बना, क्या घपलेबाजी है, उसकी भी जाँच कराई जाए और सही एडमिशन हुआ हो। और अगर आज 25% सीटें नहीं बढ़ाई गई तो 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जो गुना में आ रहे हैं, छात्रों द्वारा उनका विरोध किया जाएगा और इसकी जिम्मेदार जीवाजी यूनिवर्सिटी कॉलेज होगा और प्रभारी मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी होंगे, क्योंकि छात्र के लिए शिक्षा अति जरूरी है और बिना एडमिशन के समस्या होगी। छात्र आंदोलन को देखते हुए छात्रों का अधिकतम संख्या में CNC में फॉर्म आए हैं और छात्र आंदोलन ज़्यादा उग्र दीप हो रहा था, इसको देखते हुए 25% सीटें इस स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाओं में बढ़ा दी गई। सर, इससे सारे बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे क्या? नहीं, अब BA संतुष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद कैपेसिटी नहीं है हमारी बढ़ाने की। अच्छा, 25% ही बढ़ा सकते हैं, इसके बाद हमारी क्षमता नहीं है। सर, लगभग 1200 छात्र हैं जिनके आवेदन आपके पास आए हुए हैं, तो इनमें से लगभग कुछ बच्चे ऐसे रह जाएंगे जो केवल प्रॉब्लम है BA में। अच्छा, BSc में सबको प्रवेश मिल रहा है, BCom में सबको प्रवेश मिल रहा है। अच्छा, PG में सबको प्रवेश मिल गया है। अच्छा अच्छा, केवल BA में ऐसा है कि 1200 को प्रवेश हमने दे दिया है, 300 सीटें और बढ़ा दी गई हैं, फिर 1500 को प्रवेश दे रहे हैं। नेशनल हाईवे क्रमांक 46 पर हुआ दर्दनाक हादसा, एक बार फिर शर्मसार हुई मानवता। फोर लेन पर काम कर रहे दो लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, दोनों की मौके पर ही मौत। घंटों तक सड़क पर ही पड़े रहे मृतकों के शव, बारिश का पानी शवों के ऊपर बरसता रहा, शवों को देखकर वहां से लोग निकलते रहे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए राधोगढ़ भेजा। डेल चौराहे के समीप नेशनल हाईवे क्रमांक 40 पर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के सामने की यह घटना बताई जाती है। दोनों मृतकों के नाम प्रेम नारायण यादव निवासी अहिरखेड़ी और कल्लू बैरागी निवासी राधोगढ़ विजयपुर थाना है। वहीं एक और शर्मसार कर देने वाली बात सामने आई कि दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राधोगढ़ लाया गया, लेकिन घंटों तक पोस्टमार्टम रूम में ही पड़े रहे शव, नहीं किया गया घंटों तक पोस्टमार्टम। मृतकों के परिजनों को तेज बारिश में पानी में घंटों तक भीगते रहना पड़ा और डॉक्टर का इंतजार करना पड़ा, लेकिन कई देर बाद भी डॉक्टर नहीं पहुंचे। जब इस संबंध में राधोगढ़ BMO डॉक्टर मुकेश शर्मा को फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मीडिया की दखल के घंटों बाद पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर राधोगढ़ पहुंचे। कितनी देर हो गई? 10 बजे की बात है, 2 बज गई। कौन कौन चाय कर रहा है, कौन नहीं आया? डॉक्टर सभी नहीं आए। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा 12 तारीख को गुना में होगी, लेकिन इससे पहले ही नानाखेड़ी मंडी रोड बनना चालू हो गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को आने में मात्र एक दिन बचा है और ये यात्रा म्याना से होती हुई आएगी। को देखते हुए नानाखेड़ी मंडी रोड, जिसकी हालत बद से बदतर थी, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, आज अचानक बनना प्रारंभ हो गई। यह रोड इतनी खराब हालत में थी कि यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को वाहन पलटने का डर सताता था, लेकिन तब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन शुक्र करें मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का कि कम से कम उनके आने के कारण ये रोड बनना तो चालू हो गई।
भवन में बह रही ज्ञान की गंगा। मानस भवन में विख्यात कथावाचक डॉक्टर सुमन भैया जी मानस भूषण उज्जैन के द्वारा कथा कही जा रही है, जिसमें भक्तों को राम कथा का रसपान कराया जा रहा है। वहीं भक्त भी मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहे हैं। गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की बहुत विस्तार में, पर हमारे तहल साहब का कहना है कि हम उज्जैन की यात्रा भी करें, तो मैं उस प्रसंग को जो मूल रूप से मैं कहना चाहता हूं, ये कथा की एक पूर्व भूमिका रही, मैं उस प्रसंग को लंका का सम्रांगण। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा की जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को देखते हुए गुना जिले के तमाम नेता कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए लग गए हैं। जहां देखो वहां बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगे हुए, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये नेता आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।